أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار ابھی آپ کے سامنے مولانا نذیر عباس صاحب نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ مجلس کا آغاز کر دیا ہے لیاقت علی سلم مہو کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہم اب آواز دے رہے ہیں زہی سمل لوگوں کو جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں اور ٹیچر ہیں وہ انشاءاللہ سوز خانی کریں گے اور اس کے بعد ہمارے درمیان صرف دو شعراء اکرام میں سے دو لوگ پیش خانی کریں گے اور پھر ہم آپ کے مولانا آپ کو مجلس کو خطاب کریں گے بآواز بلند ہمارے سوز خان کا استقبال کریں ایک بلند ترین نعرہ صلوات
स्वतः समाज फरमाएं। मुसलमानों पर हज आया है मुसलमानों हो पर हज आया है तवाफे काबा एक सिरे एक सिरे नेहा है हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हैं बुतों को तोड़ने वाला कहा हरम ढूंढते हैं बुतों को तोड़ने वाला कहाँ है मुसलमानों हो सलवात बाबत बलन एक कथा फरमा आबिद साजिगर न देखा ना सुना आबिद सा जिगर न देखा ना सुना
इस तरह का साला ना दे सलवाज बाबा से बलन फजाइल के बंद चंद बंद इरशाद में हरम की गोद में इस तरह बुतरा की गोद में इस तरह बुतराबाए हरम की गोद में इस तरह बुतराबाए नबी के कल्ब पे जैसे के अलकताबाए नबी के कल्ब पे जैसे के अलकताबाए उठा लिया दरे खैबर तो जाए हैरत क्या उठा लिया दरे खैबर तो जाए हैरत क्या ये हुक्म दे तो हथेली पे आफताब आए ये हुक्म दे तो हथेली पे आफताब आए मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल में मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल में मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए
मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए, इसलिए हुई वही किताब में ताखीर, इसलिए अली किताब को सुना ले तो फिर किताब अली किताब सुना ले तो फिर किताब विलादत शहे मरे पूछो तो दीवार से जवाब आए, जुदर से पूछो तो दीवार से जवाब आए, शदीद दर्द में कुल शदीद दर्द में गुंजे लहद में महशर में, कहा मेरे मौला अबू तुराब आए, कहा मेरे मौला ये आंखों में बात हो गई सलाम और दुआ में। इन्होंने बता भी दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ लियाकत भाई, लेकिन इसको बाद आपको पढ़ना है और लियाकत अब अपने टाइम में से कटौती करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेशानी करने के लिए हैदर भाई और शोएब भाई थे, कुछ तबीयत नासाज है और थके भी हुए हैं, वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन इसमें भी बड़े इख्तसार से लोग काम लेंगे। और आपसे गुजारिश है कि लियाकत अली आ चुके हैं, उनके हमनवा भी हैं और वो सोसखानी करने के लिए आ गए हैं। बाबा जब बुलंद नारे सलवात के साथ इस्तकबाल करें। सलवात पढ़ते रहे आप लोग भाई। सबसे पहले तो हमारे देरी के आने के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, चूँकि रात भर की जगाई की वजह से जो है हम थोड़ा सा नहीं आ सकते, प्लस भी हमारे छोटे भाई ने इतने अच्छे अंदाज में सोसखानी कर दी। अब सोसखानी का मतलब तो ख़त्म था, लेकिन चूँकि अब आ गए हैं सवाबन दो चार कताबत मुलाहिदा फरमा लें। फातिहा। Yeah.
जद्दे शहीद करबला जिस दम के मश्क सूखे उठा के अम्मू के पास ला और कहा के मरती हूँ तीन दिन से पानी देता नहीं देखा सिवा तुम्हारे ये हाल अपना किसे दिखाऊं भला बता अरे भतीजी वारे चचा तुम्हारे कहीं से पानी मिले तो लाओ सकीना जिस दम
सुगरा बीबी मुख पर से हो कौन से दे घर बातो है बुलावत है सुगरा बीबी हुसैन जब के चले था के जो तमेर का बिता सकीना जा रहे थे तो बागदा मन को हुसैन चुके खड़े थे झुकाए गए तन को न आसरा था कोई शाये करबला बहन किया था सवर भाई को हुसैन जब के चले अगर पिदर न तावानत पिसर तमाम कुनत और लियाकत अली में जो लियाकत है वो आपके सामने अभी आपने उसको देखा देर आए दुरुस्त आए और इसी बहाने दो सोसखान हो गए मरहूम बड़ी किस्मत वाले थे और दरगाह फातिमा में बैठने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ख़ासतौर से हमारे जैसे लोगों को जिन्हें परमानेंट आने ही यही है तो आदत डाल लीजिए अभी से कोई देर हो जाती अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि 10 बजे मजलिस का ऐलान होता है 11:30 बजे लेकिन आजकल के जो अयाम है उसमें बड़ा टाइट प्रोग्राम है और हमारे पेशखान भी नहीं है इत्तेफाक से जिनको पेशखानी करनी थी और मैं इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ उनकी ख्वाहिश बहुत से बच्चे समझे कि नहीं ख्वाहिश किसे कहते हैं लेकिन जो मजलिस में बैठते हैं वो समझते हैं ख्वाहिश का मतलब होता है दामाद के सन इन लॉ तो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए अनिल भाई के दामाद हैं और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ दानिश रिजवी इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं आप हजरात बावाज़ बुलंद नारे सलवात के साथ हमारे शायर का इस्तकबाल करें एक नारा सलवात आप लोग आप हजरात एक और सलवात पढ़ दें सब लिस्ट
کے پہلے کہ میں شروع کروں میں چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ ارسال کر دیں سید عین الحسن عبدی ابن سید شمش الحسن عبدی میں مرثیے کے چند بند آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں جس کا عنوان ہے نماز اور جو ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا لکھا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ عامل سنت سرکار حجازی تو بنو کہ عامل سنت سرکار حجازی تو بنو پائے امت سبب سجدہ ترازی تو بنو محوے گفتار ہو فردوس کے غازی تو بنو دوستو تم ہو عزادار نمازی تو بنو صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز بازو حیدر قرار کی قوت ہے نماز قلب زہرا کے لیے باعث راحت ہے نماز دوستوں پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز ایک صلوات چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو شبیر کا ماتم نہ کرو انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شہ نے مرحلہ عشق سجدوں نے کیا سر شہ نے کیا بیدار نمازوں کا مقدر شہ نے لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خانجر شہ نے شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو آج بھی روح شہنشاہ ادا پیاسی ہے آج بھی عطرت محبوب خدا پیاسی ہے نجف تشن دہن کرب بلا پیاسی ہے پہرا دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو دعوے اجر رسالت کو زباں دو تم بھی لب سامت کو حد شعر و بیان دو تم بھی اہل دنیا کو پیامو دل و جان دو تم بھی ابھی جاگے نہیں سب لوگ عذاب ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو یوں الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو دل خابیدہ کو بیدار بنانے والی شب کے سناٹے کو جھنکار بنانے والی صاحب عظمت و کردار بنانے والی ہے یہی پھول کو تلوار سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے اما پہ کرے خاک کو معراج عطا راج عطا کرتی ہے حق عبادت کا ادا کر گئے سفاروں نے جن کی تقبیر سے محشر تھا ستمگاروں میں پڑھی تسبیح خدا تیغ جھنکاروں میں سجدہ کرتے تھے چمکتی ہوئی تلواروں میں اپنے زخموں سے پیاموں دل و جان دیتے تھے یہ وہ مؤذن تھے جو نیزوں پہ اذان دیتے تھے وہ زبیر اور سعید آل پیمبر کے غلام بن گئے سینہ سے پر شہنشاہ انام وہ برستے ہوئے تیروں پہ رکوع اور قیام وہ نمازی تھے کہ امام ازلی پیچھے تھے خود آگے تھے حسین ابن علی پیچھے تھے خود آگے تھے مرتبہ دیکھیں
کہ خود وہ پیچھے تھے اپنے زخموں کو نمازی بخدا بھول گئے آ گیا وقت عبادت تو سلا بھول گئے شکر تھا خشک زبانوں پہ گلا بھول گئے عشق معبود میں پانی کا مزہ بھول گئے سجدہ کرتے تھے پیغمبر سے دعا لیتے تھے تشنگی ذکر الہی سے بجھا لیتے تھے کر چکے عصر کو جب شاہ شہیداں سجدہ کیا زینب نے سر شام غریبہ سجدہ کر گیا غم کے اندھیروں میں چراغا سجدہ بن گیا عابد بیمار کا درما سجدہ اے سیدانیوں نے کیسی عبادت کی ہے بندے ہاتھوں سے بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے میں کہتی تھی نہیں ہے کوئی شکایت مجھ کو تو ہے راضی تو پھر کون سی حاجت مجھ کو مل گئی اب تو میرے دودھ کی قیمت مجھ کو میرے مالک نہیں ہے بچوں کی ضرورت مجھ کو ان کو پالا تھا اسی منزل ایماں کے لیے سجدہ کافی ہے تیرا کوکھ جلی ماں کے لیے کہتی تھی زینب دلگیر کہ بولو عباس پہرا میں دیتی ہوں تم چین سے سو لو عباس اٹھو بار غم زینب کو بھی تولو عباس سجدہ کیسے کروں ہاتھوں کو تو کھولو عباس ملے مولت تو ادا اپنا فریضہ کر لوں تم سکینہ کو سنبھالو تو میں سجدہ کر لوں سلام اللہ شکریہ مومن اکرام حیدر کیرتپوری صاحب کو پڑھنا تھا تو کیرتپوری ہٹا دیجئے فرمان حیدر آپ کے سامنے ہیں صلوات پڑھیے ایک اور صلوات پڑھیے تو اچھا سا پتا سنائیں کہ رحمت کا طلبگار تو ہونا ہی پڑے گا باقر دو رات ہے تو سمجھ لو علم سے بھرپور بات ہو رہی ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد رحمت کا طلبگار تو ابوالحسن بھائی ہونا ہی پڑے گا اور دامن کا ہر ایک داغ تو دامن کا ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہے جہاں داغدار رہو اپنے کو لے کے کہ دامن کا ہر ایک داغ تو دھونا ہی پڑے گا اور شعر سنیے سند کے طور پہ کہ ہستا ہوا دنیا میں تو آتا نہیں کوئی نیچرل ہے سائنٹیفک بھی ہے کہ ہستا ہوا دنیا میں تو آتا نہیں کوئی پیدا جو ہوا ہے اسے رونا ہی ہستا ہوا دنیا میں تو آتا نہیں کوئی پیدا جو ہوا ہے اسے رونا ہی پڑے گا رحمت کا طلبگار تو ہونا ہی پڑے گا چیلم کی مجلس ہے اور کچھ اشعار اس میں ایسے ہونے چاہیے کہ ہر انسان کو اپنی موت یاد آ جائے اور خاص کر جو شیعوں کے لیے موت کیا ہے وہ تو ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے کپڑا بدل کے مولا علی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں نیچرلی ہے اور وہ بھی کپڑا اگر کسی کے پاس کربلا کا مکس ہو جائے بابا جب بولا نعرے سلوات پڑھا مولا یہ مولانا ہی نہیں ہے مورل بوسٹر ہیں یہ بوسٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو بوسٹر کہتے ہیں جو والی بال گیم میں اٹھا دیتا ہے اچھی سے اچھی کک کو تو پروردگار ان کو سلامت رکھے آپ پھر سے سنیے سلوات پڑھیں ایک اور جلدی سے پڑھ دے رہا ہوں صاحب ڈاکٹر ناظم صاحب کے چار مصرے ہیں کہ رحمت کا طلبگار تو ہونا ہی پڑے گا
और दामन का हर एक दाग तो धोना ही पड़ेगा। हंसता हुआ दुनिया में तो आता नहीं कोई, पैदा जो हुआ है उसे रोना ही पड़। वो सब नए जाविये से आपने सुना हो तो अच्छी बात है। हमारे छोटे भाई फुरकान साहब के दोस्तों में से हैं, वो याद कर रहे थे तो कह रहे थे क्या फुरकान। मैंने कहा भाई हम लोग का काफिया मिलता है, वो फुरकान थे, हम फरमान हैं, तुम कमर सुल्तान हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसाब शेर सुनिए, बस पाँच मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ, बाकी मौलाना कवर कर देंगे। बकर भाई के नूह की तरह तूफान में कश्ती मेरी लेके नामे अली जब रवा हो गई। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि नूह की तरह तूफान में कश्ती मेरी लेके नामे अली जब रवा हो गई तो मुस्कुरा कर पयंबर ने देखा उसे और चादरे सैयदा बादबा और लाख चाहा के मुझको डुबो दे मगर लाख चाहा के मुझको डुबो दे मगर सैये मौजे बला रायगा हो गई दिल में यादे अली लपना दे अली। लाख चाहा के मुझको डुबो दे मगर सैये मौजे बला रायगा हो गई दिल में यादे अली लपना दे अली तय यूं ही मंजिले इम्तिहान हो गई। मुझे ऐसे और चार मिसाल सुन ले के आस्ताने मामत पे पहुंचा जो मैं दिल तो क्या रूह तक शादुमा हो गई। और इस मिसरे से इंशाल्लाह आप सब लोग जवान हो जाइएगा के आस्ताने मामत पे पहुंचा जो मैं दिल तो क्या रूह तक शादुमा हो गई और हसरत दिल ने इस तरह अंगुड़ाई ली गोया फिर से जुलेखा जमा हो। जब ये चाहा के अर्जे तमन्ना करूं रोब से बंद मुंह में जबा हो गई मुश्किलों से फकत याली कह सका और खत्म दो लफ्ज में दास्ता हो। और मौलाना को इनवाइट करने के लिए इस मेंबर पर बुलाने के लिए डॉक्टर नाजिम के चार मिसरे कुछ यूं हैं कि गैर मुमकिन है बशर मायले फरियाद ना हो, गैर मुमकिन है बशर मायले फरियाद ना हो, कैद हस्ती में रहे और कभी आजाद ना हो, कैद हस्ती में रहे और कभी आजाद ना हो, दोस्तों दफन मुझे खाके शिफा में करना, खाक हो जाऊं तो मिट्टी मेरी बर्बाद ना हो। बस अदब आवाज दे रहा हूं खतीबे बेमिसाल आली जनाब मौलाना सैयद कमर सुल्तान साहब कबला को वो तशरीफ लाए। और आपसे गुजारिश है कि ये जाकिर नहीं थकने वाला है, आप ऐसी सलवात पढ़ें कि आपके अंदर जोश पैदा हो जाए। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو سلام۔ عین الحسن عابدی ابن سید شمش الحسن مرحوم کی روح کو سلام۔ ما
माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीना बिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बादु फ़कत क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात अले अब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात भेजे मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, ये एक ईसाल सवाब की मजलिस है। एक मर्द मोमिन जो आपके और हमारे दरमियान में अपनी ज़िंदगी की पूरी तवानाई के साथ रहा और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजार के इस कायनात में आपको गवाह बनाकर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। ये एक अजीब व गरीब बात है कि हालात चाहे कुछ भी रहे लेकिन दामन अकीदा को दागदार नहीं होने दिया। ईमान की बस्ती में बहुत से लोगों को अपने आमाल पे शाहिद बनाया। अपनी सख्त और अपनी कुव्वत के साथ जहाँ तक मुमकिन हो सका उसने अपने मौला की इताअत में लम्हात गुजारे। इंसानी सरिश्त के अंदर जहाँ तक बहसो मुबाहसा होता रहेगा आदमी के दौरे हयात में ये दो लफ्ज़ बहुत आएंगे, एक मौत और एक ज़िंदगी। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ पाएंगे। कभी ज़िंदगी अपने सबूत के साथ सामने आकर खड़ी हो जाएगी और कभी मौत अपने पूरे वजूद के साथ सामने आकर खड़ी हो जाएगी। समाज मौत व हयात से कनारा कश होकर गुज़र नहीं सकता। बस्ती के मकान उसे ज़िंदगी का सबूत देंगे तो कब्रिस्तान की कब्रें उसे मौत का पता देंगी। किलकारियां भरता हुआ बच्चा जब आगोश में आएगा तो ज़िंदगी अपनी दलील फराहम कर लेगी, लेकिन जब कोई मैयत कांधे पे आएगी तो मौत अपना सबूत इनायत कर देगी। इसका मतलब यह है कि उठते हुए मकान अगर ज़िंदगी की दलील हैं तो बनती हुई कब्रें मौत की दलील है। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान मौत व हयात के इस निज़ाम से बाहर आ जाएगा। जब जब बस्ती और बस्ती के बाहर जाएगा उसे कहीं मौत याद आएगी, कहीं ज़िंदगी याद आएगी। सवाल ये नहीं है कि मौत है कि नहीं, हयात है कि नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कौन जीना जानता है, कौन मरना जानता है। सवाल ये नहीं है कि कौन मौत कहाँ है, ज़िंदगी कहाँ है। सवाल ये है कि कौन जीना जानता है, कौन मरना जानता है। बहुत से लोगों के पास ज़िंदगी है मगर जीना नहीं जानते। बहुत से लोगों को मरना है और मरना नहीं जानते। वो क्या जिएगा जो ये ही न जानता हो कि ज़िंदगी क्या है, और वो क्या मरेगा जिसे ये ही पता ना हो कि मौत क्या है। लिहाजा ज़िंदगी बिताने से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि ज़िंदगी किसे कहते हैं, और मरने से पहले ये भी पता करना ज़रूरी है कि मौत किसे कहते हैं।
अगर इन दोनों का पता नहीं चल सका तो दोनों ही चीज़ें बेकार हो जाएंगी, दोनों ही चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अब आप ये ना कहिएगा कि जिंदगी तो जिंदगी है, नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे जीते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि मर जाएं तो अच्छा है। बहुत खतरनाक जुमला है। बहुत से लोगों का जीवन इस आधार पे बीतता है कि लोगों के अंदर चर्चित हो जाता है कि ऐसे लोग तो जीने से बेहतर है मर जाएं, और बहुत से लोग ऐसे वक्तों में मर जाते हैं कि लोग दुआ करते रहते हैं कि अभी और जीते रहते तो अच्छा था। तो जिंदगी को कोसने वाले और मौत को ताने देने वाले कब तक अपने दामन को ये सोचकर बचाएंगे कि नहीं साहब मौत बहुत बुरी है, कोसते रहो वो तो है, कोसते रहो वो तो है, रोना धोना तड़खना तड़पना नफरत की चिंगारियां आग अंगारे, मौत ने तबाह कर दिया, मौत ने बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? अगर मौत इतनी ही बुरी होती तो खालिक कायनात उसका खालिक ही न बनता। अगर मौत का लफ्ज इतना ही बुरा होता तो खलकल मौत वल हयात, हम ही ने मौत को पैदा किया, हम ही ने हयात को पैदा किया। जिंदगी तुम्हें अच्छी लग गई, मौत बहुत बुरी लग रही है, दोनों को हम ही ने पैदा किया और तुम्हारे लिए ही पैदा किया। एक को तो इसका मतलब यह कि जिसे तुम पसंद करो अच्छी है, और जो तुम्हारी पसंद में नहीं आए, जो सेब तुम्हें पसंद है वो ठीक है। तो तुम्हारी पसंद का नाम तो जिंदगी और मौत नहीं, ये तो हमारी तरफ से खलकल मौत वल हयात, हम ही ने मौत को पैदा किया और हम ही ने हयात को पैदा किया। जब हमने पैदा किया है तो ये मुमकिन नहीं है कि हम तुम्हारी चाहत पे आधार रखें कि ये अच्छी है या बुरी। अब मैं पता नहीं कब कल तक भी पढ़ता रहूं तो बात को सुलझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक लफ्ज है जो सुलझा देगा और इस हसीन मजमे को यह समझा देगा कि मौत का लफ्ज हसीन कहां बना, मौत का लफ्ज हसीन कहां बना। मुतवज्जे रहिएगा, इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतुम, ए मेरे हबीब तुम्हें भी मौत आएगी और सबको मौत आएगी। अगर लफ्ज मय्यत बुरा होता तो रसूल तक पहुंचने का सवाल ही नहीं था। अगर लफ्ज मय्यत बुरा होता तो रसूल तक पहुंचने का सवाल उठता, रसूल को मौत आएगी। क्या मतलब? इसका मतलब यह कि मौत अपने आप में बुरी नहीं है। अब अगर मेरे सामईन मेरे साथ हैं तो लफ्ज बड़ा नाजुक सा भी है, मौत बुरी नहीं है, ना अपने आप में मौत बुरी है ना जिंदगी। मैं बताता हूं, दोनों के इस्तेमाल करने वाले बुरे हैं। तवज्जो देते रहिएगा, पता नहीं कब तक लफ्जों को बदल बदल के मैं आप तक पहुंचता रहूंगा। अगर सारी जिंदगियां अच्छी हुआ करती तो नेक और बद ना होते, और सारी मौतें अच्छी हुआ करती तो हलाकत और शहादत ना होते। क्या लफ्ज आया है ये, हलाकत और शहादत नहीं होते। इसका मतलब ये कि हर जिंदगी अच्छी नहीं है और हर मौत बुरी नहीं है। अगर जिंदगी बुरी है तो बद, जिंदगी अच्छी है तो नेक, मौत अच्छी है तो शहादत, मौत बुरी है। मैं भी कब तक समझाऊंगा, अगर मुझे समझाना है तो मुझे सहारा लेना पड़ेगा। हुसैन ने करबला में आके साबित कर दिया कि अगर जिंदगी यजीद बन जाए तो बहुत बुरी है, हुसैन मौत बन जाए। जुमला, अगर आदमी यजीद बन के जीने लगे कितना बुरा है। अगर आदमी हुसैन होकर शहीद भी हो जाए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अगर हुसैन शहीद भी हो जाए तो कितना अच्छा है। इसका मतलब यह कि यजीदी किरदार अगर जिंदगी में है तो बुराई ही बुराई है, हुसैनी किरदार अगर मौत में भी है,
अच्छाई ही अच्छाई है। अगर हुसैन की तरफ मौत में अच्छाई ना होती तो कभी भी हुर यजीद को छोड़कर हुसैन की तरफ ना आता। अब मेरे सामने मिसालें तो बहुत हैं और मैं बहुत सारी साइडें हैं जिसमें जाना चाह रहा हूँ और उनमें मज़े भी बहुत हैं, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि मैं अपने समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले ये बताओ कि मौत किसे कहते हैं। अब एक लफ्ज़ सुने वो सामईन जो मजलिसें सुनने के शौकीन हैं और मजामीन पर सुनने के शौकीन हैं, वो एक लफ्ज़ सुने मौत के उन्वान से कि ये कहना कि मौत किसे कहते हैं। अब तक जिस मौत का तारुफ समाज ने कराया है वो और है और जिस मौत का तारुफ कुरान ने कराया है वो और है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो मौलाना, मैं तो बिल्कुल सच्ची सच्ची कह रहा हूं। तुम कह रहे हो कि भाई वो मर गए और कब्रिस्तान में पहुंच गए, यही है इसका मतलब? तुम्हारी नजर में कब्रिस्तान में पहुंचने वाला हर आदमी मुर्दा, यही तुम सोच के चल रहे हो, यही तुम सोच के चल रहे हो? अब मैं आयत पढ़ता हूं और आपकी अपनी मर्जी है। जंगे ओहद के बाद कुछ लोग रसूलल्लाह के पास आकर माजरत करने लगे और कहने लगे या रसूलल्लाह ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। तो रसूल इस्लाम पर आयत आई इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे हबीब मुर्दों से कलाम ना करना। जी मैं जानता हूं कि अभी कुछ लोगों ने अपनी दांत को रोका हुआ है कि बाद में बोलेंगे, अभी तो जुमला हल्का वाला आया है, जब तकड़ा वाला आएगा तब बोलेंगे। ठीक है आप अपने को दबाए रहिए भाई, मैं कब मने कर रहा हूं, लेकिन अब जुमला सुनिए। ये जिन मुर्दों का तारुफ कुरान करा रहा है इनमें से एक भी कभी कब्रिस्तान गया ही नहीं। ये वो मुर्दे हैं जो कब्रिस्तान के बगैर मुर्दे हैं और कुरान कह रहा है कि मुर्दे हैं। इसका मतलब यह कि बहुत से मुर्दे ऐसे होते हैं जो कभी कब्रिस्तान जाते ही नहीं। मुर्दा होने के लिए कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, हो सकता है अपने मकान ही में मुर्दा हो। क्या जुमला है ये, हो सकता है कि अपने मकान ही में मुर्दा हो। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम जिसे दफना के आए वही मुर्दा है तो कुरान मजीद के इस मुर्दे की तशरीह कौन करेगा? रसूल के पास वालों की कोई गारंटी नहीं है। जो रसूल से बहुत दूर बस के अपने कॉलर ऊंचे कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं, कहां से जिंदा हो भाई तुम? वो तो रसूल अल्लाह के पास वालों को मुर्दा कह गया कुरान, और मुर्दा होने के लिए कब्रिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं अगर ऐसे ऐसे मौजूद हैं। अब एक लफ्ज सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की यह आयत हमसे कह रही है कि जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान ही में मुर्दा हो सकता है बस्ती में भी मुर्दे हों। अब ये चूंकि बनारस में मजलिस हो रही है और चैनल के जरिए से दुनिया तक पहुंच रही है तो क्यों ना मैं ऐसा जुमला कह दूं जो एक जागता हुआ जुमला हो और सभ्यदारी के बाद बेदारी का सबूत लेने के लिए तैयार हो जाए। जुमला सुनिएगा, इतना नुकसान कब्रिस्तान के मुर्दों से नहीं हो रहा है जितना बस्ती के मुर्दों से हो रहा है। कहो मौलाना ये क्यों कह रहे हो? भाई मैं कहां कहता, भाई कमर सुल्तान की मत मानो, कुरान की तो मानो, कुरान ने बताया। काहे मौलवी है मौलवी, इन्होंने कव्वे को देख के कह दिया था कि यार ये हलाल ही दीख है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। देखा और मैं कब्रिस्तान में बता दिया जिंदा है, बस्ती में बता दिए मुर्दे। मैंने कहा भाई मैं थोड़े ही बता रहा हूं, मैं काहे को बताता, कुरान से पूछो। अगर कुरान ने मुर्दों का पता दिया है तो ये जिंदों का पता भी देगा। मैंने कुरान मजीद से पूछा कि भाई तेरी नजर में जिंदा कौन है? कला तहसबन्नल लजीन कुतिलु फी सबीलिल्लाह अमवाता, खबरदार जो मेरी राह में कट गए उन्हें मुर्दा ना कहना।
तो बात साफ हो गई, जो कटे पड़े थे उन्हें कहा ये जिंदा है, और जो तने खड़े थे उन्हें कह दिया ये मुर्दा है। अपने आप को जान बचाना भारी हो गई। अब किसको कहे मुर्दा है और कौन कहे जिंदा है, कहां से समझ में आएगा भाई कौन जिंदा है। इसका मतलब ये कि डॉक्टर तो आंखें बंद होने के बाद कह रहा था कि ये मुर्दा है, और कुरान तो खुली आंखों में कह रहा था कि ये मुर्दा है। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन कौम के मौजूद मुर्दों का खात्मा हो गया उस दिन कौम जिंदा हो जाएगी। ये तो पूरी कौम की जिंदगी को खत्म किए दे रहे हैं। अब कोई तावीज गंडे वाला ऐसा नहीं है जो जिंदा मुर्दों से बचा ले। एक साहब बोले कि ये मौलवी है मौलवी, अगर ये मुर्दे थे रसूल अल्लाह के पास के लोग तो इन पे फातिया क्यों नहीं पढ़ी गई। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम उसी को मुर्दा समझ रहे हो जिस पे फातिया पढ़ी जाए। अरे बहुत से लोग तो ऐसे हो गए हैं, ऐसे होते हैं वो मर गए मर्दूद जिनकी फातिया ना करूं, एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले पर। बहुत से लोग मर जाते हैं फातिया वातिया नहीं होती है, कोई जरूरी है कि फातिया ही हो तो मुर्दा होगा। कहा मौलाना बात तो तुम सही कह रहे हो, मगर ये बताइए मौत, मैं यही कहने आया हूँ आपसे कि हम जिस मौत का तर्जुमा कर रहे हैं वो कुरान में है ही नहीं। अब मेरा लफ्ज़ सुनिए, हो सकता है कि मैं थोड़ी सी देर आपकी खिदमत कर सकूं और मेरे बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौत के जितने हमले होते हैं जिस्म पे होते हैं जिंदगी पे नहीं। आपकी अपनी मर्जी होगी, आप जहां चाहे ले जाइएगा, मजमून अपनी भरपूर जवानी पे आता है इन लफ्जों के साथ। लफ्ज़े जिंदगी कभी मोहताजे जिस्म रहा ही नहीं। हम जिस्म को चूंकि जिंदगी समझ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ रही। जिस्म कहां है मसला ये नहीं है, मौत में ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिंदगी के खेमे को खत्म कर दे। मौत के हमले जिस्म पे हुए हैं जिंदगी पे नहीं हुए। यही वजह है कि आदमी दोनों जगह जिंदा है, कुछ कब्र के इधर जिंदा है कुछ कब्र के उधर जिंदा। अब ये एक मौलवियत की तमन्ना है, बादल मौत हयात, हयात बादल मौत, एक मौलवियत की तमन्ना है, मगर मौलवी उसे जमीन पर नहीं उतार पा रहा, इसलिए वो इसाले सवाब में काम आ रहा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवी उस चीज को जमीन पर नहीं उतार पा रहा है, हयात बादल मौत को। जिंदा वो भी है जो कब्र के उधर उतर गया, और जिंदा ये भी है। इनकी तो ये है कि ये अगर जिंदा भी है तो मर जाएंगे, उसकी तो है भी नहीं। वो तो ऐसी जिंदगी में जा उतरा कि अब जिंदा ही होता चला जाएगा, और ये बेचारे ये तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, इनकी जिंदगी की तो कोई गारंटी नहीं है। कब्र के इधर भी जिंदा है, कब्र के उधर भी जिंदा है, ये जिंदगी भी चलती है वो जिंदगी भी चलती है। अगर जुमले रायगा चले गए तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मेहनत को बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब यहां था तो हम पूछते थे तुम कैसे हो, अब फरिश्ते पूछ रहे हैं तुम कैसे हो। तो जिंदा तो है, जब यहां था तो हम पुकारते थे फला इब्ने फला, अब फरिश्ते पुकार रहे हैं फला इब्ने फला। तो फर्क क्या हुआ है, फर्क मैं बताता हूं फर्क क्या हुआ है। जिंदा ये भी है जिंदा वो भी है। यहां की जिंदगी बाजार के बल पे चलती है, वहां की जिंदगी किरदार के बल पे चलती है। यहां की जिंदगी माल के बल पे चलती है, वहां की जिंदगी अमाल के बल पे चलती है। ये किसने बता दिया। अब एक लफ्ज सुनिए जो बहुत बहुत हसीन है और मुझे आप पे भरोसा है। मर गया का नाम मिट गया नहीं है। मर गया का नाम मिट गया नहीं है, हट गया है, वो हमसे दूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो गया होता तो तुम 40वें में क्यों बैठे होते। ये 40वां ही तो सबूत हयात है।
बिरयानी तो कल भी थी आज भी है, फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? कल यहां के लिए थी आज वहां के लिए है, तो कल यहां जिंदा था आज वहां जिंदा है, कल यहां जिंदा था आज वहां जिंदा है। क्यों नहीं इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि कब्र के बाद जिंदा? अरे क्या पागल हो क्या? अगर जिंदा होता तो वहां दफना के क्यों आते? मैंने कहा दफनाने का मतलब तुम बताओ तुम कैसे जिंदा हो? कहा हम जिंदा नहीं है क्या? वेरी हैंडसम, हम जिंदा नहीं। मैंने कहा सबूत बता, सबूत क्या है? कहा भी बताता हूं। एक साहब आए का सवाल है कौन सलाम करना आए या ना आए? आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये लफ्ज सलामुन अलैकुम है, सब अलैकुम नहीं है। तुम्हारी तबीयत को दीन नहीं कहते हैं, रसूल की शरीयत को दीन कहते हैं। आपका कौल इस्लाम नहीं है, रसूल अल्लाह का कौल इस्लाम है। क्या उल्टे सीधे सलाम करते रहते हो? सीधे सीधे कहो सलामुन अलैकुम। मैंने कहा अच्छा इसने सलाम कर लिया तो तू जिंदा, चल मैं तुझे बताता हूं। कब्रिस्तान में गया, मैंने कहा देख क्या लिख रहा है। कहा अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर। तो मैंने कहा तुझ पे सलाम हो तो जिंदा। और कब्र वालों पे सलाम हो तो मुर्दा। तेरे कॉल का नाम मुर्दा है क्या? तेरी दुनिया का नाम मुर्दा है क्या? क्या कहना चाह रहा? ये देख रसूल अल्लाह ने कहा नहीं 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 इनसे बातचीत नहीं होती। मैंने कहा तू क्या चाह रहा है, कब्र में मोबाइल छोड़ दें क्या? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातचीत का सबूत दे रहा हूं कुरान से। जब एक आदमी का इंतकाल हो जाएगा और जैसे ही वो कब्र में जाएगा तो उससे फरिश्ते कहेंगे इकरा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका शहीदा, आज तुम अपना नामे आमाल पढ़ो और ये नामे आमाल तुम्हारा तुम्हारी जमीर की गवाही के लिए काफी है। कफा बिनफ्सिकल यौम, आज काफी है तेरे जमीर की गवाही के लिए ये नामे आमाल जिसको खुदा कह रहा है इकरा पढ़। जब वो मर गया तो अल्लाह उससे क्यों कह रहा है पढ़? इसका मतलब अल्लाह भी जानता है कि ये पढ़ सकता है। अल्लाह ने कहा इकरा पढ़ और मुल्ला ने कहा इस्मा सुन। मुल्ला ने कहा इस्मा इफम। जब मुल्ला कह रहा था इस्मा इफम तो तुम एतराज कर रहे थे क्या? मैं ये तो मर गया सुन नहीं सकता समझ नहीं सकता, खुदा से नहीं कहते हो कि ये पढ़ नहीं सकता? खुदा से भी तो कहो जाके, खुदा क्यों कह रहा है मरने के बाद इकरा किताब का कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका शहीदा, आज अपना नामा आमाल पढ़। अल्लाह ने कहा पढ़ तो कुछ नहीं, हमने कह दिया सुन। अरे हम तो अल्लाह ही की बात को बढ़ा रहे हैं तिलकीन करके। वो कह रहा है पढ़ सकता है, हम कह रहे हैं सुन सकता है। मैं एक लफ्ज कहता हूं कि अगर शियों में तिलकीन ना होती तो मरने के बाद जिंदगी पर यकीन ही नहीं आता। अरे एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरने के बाद की जिंदगी पे कोई कौन यकीन करता? क्या है तिलकीन में? अभी इसको मत छेड़िएगा बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही देर हो गई। इस देर के बाद देर होना ठीक नहीं। देर के बाद देर अच्छी नहीं होती। अब एक आखिरी चीज की तरफ चलते हैं जो मेरे मुंह से निकल गया। जिस्म का नाम जिंदगी नहीं है। आप जिस्म पर भरोसा करके सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए जिस्म को जिंदगी समझ रहे हैं, इसी की हिफाजत किए जा रहे हैं। यह कभी जिंदगी थी ना है ना होगी। जिस्म कहां है इससे बहस नहीं है। कहा मौलाना इसकी कोई जबरदस्त दलील है तुम्हारे पास? एक दलील तो मैं सुनाई दे रहा हूं। अगर जिस्म का नाम जिंदगी होता तो खुदा बगैर जिस्म के जिंदा ना होता। अब इससे बड़ी दलील कहां आएगी? इससे बड़ी कोई दलील आएगी? खुदा बगैर जिस्म के जिंदा है कि नहीं? अल्लाह हो
ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह है वो जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, वो जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर जिंदा है। ए कमर सुल्तान बढ़ते चले जाओ, मजमून में तो बहुत वसत पैदा हो गई, बहुत वसत पैदा हो गई। अगर तुम्हारा अकीदा यही रहा कि जिस्म ही का नाम जिंदगी है तो तुम अहले बैत को मान ही नहीं सकते। अहले बैत को वही मानेगा जो ये भी मानेगा कि वो जिस्म से पहले भी जिंदा थे, जिस्म के बाद भी जिंदा है। अरे मजलिसी तमाम हो गई। अब इसकी तशरीह करो कमर सुल्तान, छोटे बच्चों तक ये नहीं पहुंची। नबी जिस्म से पहले जिंदा थे, जिस्म के बाद भी जिंदा है। अली जिस्म से पहले जिंदा थे, जिस्म के बाद भी जिंदा है। इसकी कोई ठोस दलील है तुम्हारे पास? जब से ये YouTube चली है ना, टेंशनें बढ़ गई, शुगर का भी जमाना ज्यादा आ गया। ये बैठे बिठाए आदमी की शुगर बढ़ा देता मोबाइल। इसलिए हम भी जरा मजबूत बातें करने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यार यूट्यूब पर पकड़े जाए। मुतवज्जे रहिएगा जिस सबूत की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं कि जिस्म के बगैर जिंदगी है। कुन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। ये बनारस है मियां, यहां मजलिस सुनने का शौक पाया जाता है। आपकी खामोशी मुझे ताज्जुब में डालती है। ये हदीस उस वक्त की है जब दुनिया में पहला जिस्म भी नहीं बना था। आए हाय आए हाय। तो जब दुनिया में पहला जिस्म भी नहीं बना था, वो उस वक्त भी नबी था। इसका मतलब यह है कि उसको नबी होने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है। क्या जुमला आ गया है ये, उसको नबी होने के लिए जिस्म की जरूरत। खुदा तुम्हें सलामत रखे। अगला जुमला सुनिए, आज जो मौज़िन कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसका कहना बता रहा है कि जिस्म नहीं है मगर मोहम्मद रसूल हैं। उनकी रिसालत अगर मोहताज जिस्म होती तो वो जिस्म से पहले नबी नहीं होते। वो आज भी नबी हैं, वो आज भी नबी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कहां है जिस्म? आज बहुत सारा तबका तो इसी बात पे अड़ा हुआ है कि नबी को जिंदा मत मानो, नबी को जिंदा मत मानो। इन्हें जिंदा मान लो। नबी को जिंदा मत मानो नबुवत के बावजूद, इन्हें जिंदा मान लो उम्मत के बावजूद। वो नबी होके जिंदा नहीं है, ये उम्मत ही होके जिंदा है। एक भी काम जिंदो जैसे नहीं, जान नाम जिंदा। सारे काम मुर्दो जैसे और नाम जिंदा। अरे पैगंबर की तो बात छोड़ो, कुरान भी जिंदा है। कहिए कैसे? मैंने कुरान से पूछा कैसे जिंदा है, कह जरा मुझसे दुश्मनी करके देखना। हर दौर की सरकार के बावजूद अगर नीलाम न कर दिया। मैंने कहा क्या कर सकता है, एक आदमी ने तो हंगामा किया। कहा जब वो हंगामा कर रहा था तुम तो ये सोच रहे थे कि उसी वक्त मर्डर हो जाए, उसी वक्त उसकी मुंह बंद हो जाए, और मैंने उसको छूट दी ताकि वो छूटा रहे। इसलिए कि अगर उसी वक्त मार देता तो ये पता कैसे चलता कि कुरान का दुश्मन जलील कितना होता है। कि कुरान का दुश्मन जलील कैसे होता है। मैंने कहा वो तो जिंदा है, कहा उसके जिंदा होने से क्या होता है। ये तो देख कि वो आयतें निकालने गया था, मैंने कौन से ही निकाल दिया। जब वो लूट लुटा के अपने घर गया तो उसने देखा कुरान तो अंदर रखा है, वो बाहर खड़ा है। मैं अंदर से आवाज दे रहा था, तूने देखा रहमान की ताकत क्या है, इंसान की ताकत क्या है। तो अब हम तलाश करते हैं कभी कभी कि मौलाना इस जिंदगी की मिसाल। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस्म कहां चला गया, इसकी क्या बहस है।
इसकी क्यों बहस करते हो कि जिस्म कहां चला गया? जिस्म वो शय है ही नहीं जो जिंदगी बना हो। जिस्म कोई शय नहीं है, जिस्म तो सवारी है जिंदगी की। जब तक उसके लायक थी वो इसके साथ रही। आय हाय आय हाय आय, जिस दिन उसने देख लिया कि दांत ही हिलने लगे तो अब मैं रोटियों का क्या करूं, छोड़ के चली गई। इसी का दूसरा नाम इंतकाल है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जब घोड़े की टांगे ही कमजोर हो गई तो अब भी क्या सवारी करते रहोगे? जिस्म पर सवार है जिंदगी, वो जब तक इसे अपने लायक समझती है रहती है, वरना फिर छोड़ के चल देती है। और वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है, उसके कंट्रोल में जिस्म है, वो जिस्म के कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि जहां से जिंदगी अपना मुंह मोड़ लेती है वही हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि हाथ पैरों को जिंदगी चला रही है, जिंदगी को हाथ पैर नहीं चला रहे हैं। जिस्म का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम जिंदगी। कब बोला ना, इसकी मिसालें तू कहां से दे सकते हो कि जिस्म के बगैर भी जिंदगी है? मैं नहीं दे सकता, लेकिन जितने फर्शे अज़ा पर बैठे हैं वो दे सकते हैं। वो ऐसे दे सकते हैं कि जब जिस्म सर से जुदा हो गया तो उसने नौके नेजा पे तिलावत कर दी। उसने नौके नेजा पे तिलावत कर दी ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि हुसैन जिस्म का मोहताज नहीं है। अब एक लफ्ज सुनिए, उसने खंजर के नीचे आके शहादत का सबूत दिया और नौके नेजा पे जाके जिंदगी का सबूत दिया। हसीन जुमला था ये, क्या हसीन जुमला था ये। जब वो बोला तो शिमर का तो शुगर लेवल नापने काबिल था। अरे गर्दन काटी जिसकी वो बोल पड़ा। मैंने कहा शिमर अब सोच मरा कौन है। अब सोच के मिटा कौन है अगर ये जिंदा है। सोच के जिंदा कौन है? अरे क्या है, देखा मौलाना लोगों की बात, कुरान पढ़ पढ़ के क्या कर दें। कब्रिस्तान वालों को मुर्दा बता दें और इनको कह दिया ये कटे पड़े लोग जिंदा। मैंने कहा यार मैं नहीं कहता, फिर कुरान सुन। कहे मुल्ला को कुरान के अलावा कुछ नहीं आता क्या? उसने पढ़ा ही कुरान है तो क्या, कुरान ही ना पढ़ा है तो क्या करेगा। सुनिए आयत, इन अनजलना मिन समाए मान फअहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, हमने आसमान से पानी नाजिल किया उसने जिंदा कर दिया जमीन को मरने के बाद। बात खत्म हो गई है, मजलिस भी तमाम हो गई है। तो जब जमीन जिंदा है मरने के बाद तो क्या शहीद जिंदा नहीं है मरने के बाद? सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, जमीन जिंदा है मरने के बाद और शहीद। देखिए बाकर भाई से ज्यादा लुत्फ कौन लेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम तो 24 घंटे में एक पढ़ते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं आप हजरात से यह अर्ज कर रहा था कि भरोसा जिंदगी पे होगा, जिस्म पे नहीं। अब बहुत सारी बातें भी हैं लेकिन आयात के जरिए से इस्तदलाल बहुत ऊंचा होता है, आयात से ऊंचा तो इस्तदलाल नहीं होता। अब हमसे मिलो, हमने फातिहा दिलवाई। अगर हमारा भरोसा यह होता कि साहब जिस्म का नाम जिंदगी है तो हम फातिहा देते, मोटे को पहुंचे, पतले को पहुंचे, लंबे को पहुंचे। लेकिन हम तो फातिहा में ये कहते हैं फला इब्ने फला। ये इब्ने फला क्यों कह रहा हूं?
इसका मतलब जिंदगी की दलील मोटापा नहीं है, पतलापन नहीं है, लंबापन नहीं है, वो इब्न है। वो लफ्ज इब्न है, सिलसिले हयात, सिलसिले हयात। ये फला बाप का बेटा, ये फला बाप का बेटा, इसीलिए एक तबका आया, उसने कहा फातिया ही मत दो। मैंने कहा भाई फातिया क्यों नहीं दो, कहा शजरा ही सलामत रही है तो फातिया कहां से आएगी। मुझे लग रहा है मुखालफत फातिया की नहीं है, शर्मिंदगी शजरे की है। भाई दो चार तो इब्न मिल जाएंगे, फिर पांचवा छठा कहां से लाएंगे? ना मालूम बाप पे तो फातिया हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो यार, अपने दादा का शजरा ना खुले, तुम तो फातिया ही की मुखालफत कर दो। मगर एक कौम है जो एक मजलिस के अलावा 40वें में दो दो मजलिसें करा रही है। मैंने कहा भाई तुम इतने बढ़ाते क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना बढ़ाई हो रहे हैं कि माशाल्लाह हमारा तो शजरा ही सलामत है। ओहो, मैंने कहा भाई ये नहीं मानने के, ये तो एक 40वें में दो दो 40वें कर रहा है। पहले एक मौलवी आता था, अब तीन तीन मौलवी। ये भी जानते हैं कि कब खाना खोलना है कब बंद करना है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजाब लोग भी सोच सोच के आते हैं कि हमें पता है नाम दोपहर का है, खाना तो शाम का ही है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लोग सोच सोच के चलते, लोग भी तो वैसे ही हो गए जैसे हालात जैसे मामलात। खैर चलिए बात को मैं तमाम कर दूं। का नहीं मौलाना, एक रुख और रह गया इस मजलिस का। वो कौन सा रुख है साहब? का कुरान से ही साबित करे जाओगे कौन जिंदा है कौन मुर्दा। कभी किसी गरीब से भी पूछ के देखो कौन जिंदा है कौन मुर्दा। ओह, मैंने कहा यार बात तो यही सही कह रहे हो, ये मार्केट वाले ये तो मौसम बदलते ही कोरोना फिर ले आएंगे। इन्हें तो एक ही आता है कि भाई मौत का बाजार लगाओ और दुनिया पे हुकूमत करो। मौसम क्या बदला इन्होंने, फिर मास्क का शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार भाई अब कहां से साबित किया? बोले गरीब से पूछो जिंदगी किसे कहते हैं, तड़पती हुई गुर्बत बताएगी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा छोड़ यार गरीब भी छोड़, एक फकीर से पूछा तू बता जिंदगी किसे कहते। उसने कहा तुम इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें यही पता नहीं चला मुर्दा कौन है जिंदा कौन है? मैंने कहा यार मैं क्या रिसर्च कर रहा हूँ क्या, PhD हूँ क्या? कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन जिंदा है कौन मुर्दा। जो आदमी जितना जानता है उतना ही बताता है। उसने एक दरवाजे पर मुझे ले जाके खड़ा कर दिया और वहाँ कहने लगा दो रुपये दे दो। भाई मैंने कहा मौत और जिंदगी बता। बोले पहले मांगने तो दे। हाँ वहाँ खा टेंशन दिए जा रहा। बहुत देर मांगता रहा, फिर बोला चलो। मैंने कहा क्या? बोले ये सब मर गए। ये सब मर गए? मैंने कहा तूने दो रुपए की खातिर सबको मार दिया। कहा बात दो रुपए की नहीं है, अगर ये जिंदा थे तो दरवाजा खोल के देखते तो सही कौन है। भाई जो न दे वो मर ही गया। तो मैंने कहा तू कहना ये चाहता है कि जिस घर से ना मिले उसमें मुर्दा है? कहा बिल्कुल, जिस घर से ना मिले उसमें मुर्दा है और जिस कब्र से मिल जाए उसमें जिंदा है। अब मैं बनारस के अंदर ये जुमला कह रहा हूं, इसका मतलब ये कि जिन दरवाजों पर भीख नहीं मिलती उनमें मुर्दे हैं और जिन मजारों पर भीड़ लगी है। अजमेर की भीड़ बता रही है ख्वाजा जिंदा है, करबला की भीड़ बता रही है। जब्बा क्या उठे?
कहा यार मौलाना तुम अपने आप से मत पूछो, तुम मौलवी लोगों का कुछ अलग ही चल रहा है। हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तुम हमें अरबी मीडियम से समझा रहे हो। अरे यार तुम वो पढ़ो ना जो हम पढ़ रहे हैं, तुम वो नहीं पढ़ते जो हम पढ़ रहे हैं, हम वो नहीं पढ़ते जो तुम पढ़ रहे हो। तो हमारी समझ में तुम्हारी अरबी कहते आए, तुम इंग्लिश मीडियम नहीं हम अरबी मीडियम नहीं, तुम मिंबरों से क्या सुना रहे हो हमें पता नहीं चल रहा। मैंने कहा यार अच्छा तू बता दे भाई मुर्दा किसे कहें। बोले चलो मेरे साथ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब इस आदमी को ये मालूम नहीं मुर्दा कौन है। अरे बोले मेरे अस्पताल में तो रोज मर रहा है, मैंने तो कारोबार ही ये किया है कि तुम घरों में न मरो अस्पताल में मरो। वहां से उठा के यहां लाओ, मेरे अस्पताल ही इसलिए बनाया, यहां आओ मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताइए कौन मरा। कहिए देखिए आई एम वेरी सॉरी ही इज द डेड। मैंने कहा यार क्या मतलब आपके कहने से मर गया, आंखें हैं और मर गया, पैर हैं और मर गया, कान हैं और मर गया, मैं कैसे मान लूं कि ये मर गया। अरे कहा अजीब मौलाना यार, मैंने कह दिया मर गया। मैंने कहा तुम्हारा कॉल मर गया क्या भाई, तुम्हारे कॉल का नाम मुर्दा है क्या, दलील दो कि ये मर गया। का दलील ये लो, उन्होंने हाथ उठाया छोड़ दिया, फिर एक इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं। कहा ये मर चुका है। मैंने कहा दलील दो उर्दू में। को अच्छा तुम्हारा शीन काफ दुरुस्त है, तुम्हारी समझ में जल्दी से बात नहीं आई। जिसका शीन काफ दुरुस्त होता है जल्दी से बात समझ में नहीं आती। सुनो ये मर गया। मैंने कहा कैसे। कहा इसमें एहसास नहीं रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कहते क्यों नहीं हो, जिसका एहसास मर जाए वही मुर्दा है। मजलिस तमाम, मजलिस तमाम। जिसमें माँ बाप की खिदमत का एहसास मर गया वो मुर्दा, जिसमें कौम की तरक्की का एहसास मर गया वो मुर्दा, जिसमें भाई की मोहब्बत का एहसास मर गया वो मुर्दा। अब जुमला सुनिए, जिसमें नमाज़े वाजिब का एहसास मर गया वो मुर्दा, जिसमें दौलत के होते हुए गरीबों की मदद का एहसास मर गया। एहसास मर गया तो मुर्दा है। लिहाजा कब्रिस्तान के मुर्दों को बाद में देखना, ये माँ बाप को नहीं मानता ये जिंदा नहीं है मुर्दा है, इसे भाई की मोहब्बत का एहसास नहीं है ये जिंदा नहीं है मुर्दा है। कुछ मुर्दे भी होते हैं जो बगैर तिलकीन के तुम्हारे पास टहलते रहते हैं और वो मोहताज होते हैं तुम्हारे, वो मोहताज होते हैं। तो मैं कितनी दलीलें दूंगा। मैंने कहा भाई इस मुर्दे का पीछा करो जाता कहाँ है। अब वो आदमी आया बोले ये देख रहे हो मुर्दा। मैंने कहा क्या। बोले जो चार कांधों पे जा रहा है यही मुर्दा है। मैंने कहा तो सुन मैं बताऊंगा जिंदा कौन है। सुन जो दूसरों पे बोझ बन जाए वो मुर्दा है और जो किसी का बोझ उठा ले। आगा इससे हसीन ताबीर थी ही नहीं, इससे हसीन ताबीर थी ही नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो किसी यतीम का बोझ उठा के देखो, जिंदा हो तो किसी की फीस जमा करके देखो, जिंदा हो तो किसी को ट्यूशन पढ़ा के देखो, अगर तुम जिंदा हो तो किसी की गुर्बत मिटा के देखो, अगर तुम जिंदा हो तो किसी की कमजोरी खत्म करके देखो। ये तो तय है कि तुम किसी के जिस्म में टांगे नहीं लगा सकते मगर उसे एक व्हील चेयर तो दिला सकते हो। तुम्हारी गुर्बत तो इसमें नजर आती है कि तुम अपने ही की फिक्र में लगे रहते हो। अरे तुम अपने पांच को पढ़ा सकते हो तो क्या छठे को नहीं पढ़ा सकते। पांच की फीस कहां से जमा कर रहे हो, किसी छठे की फीस का जिम्मा लो। यतीम कहीं आसमान से नहीं टपकेंगे, इसी समाज में यतीम है। तुम सोच नहीं रहे हो जिस दिन तुम मैयत उठाने गए थे हमने उसी दिन कह दिया था कि जब भी तुम जमा हो जाते हो मैयत जैसी मुसीबत घर से निकल जाती है। तुम जमा तो हो जाओ गुर्बत भी घर से निकल जाएगी। तुम जमा तो हो जाओ गुर्बत निकल जाएगी। जब तुम किसी मुर्दे की कब्र बना रहे थे तो तुमने चमत्कार देखा, एक एक मुट्ठी रेत से कब्र बन गई।
हमें शौक नहीं था तुम्हारे हाथ मट्टी में डलवाने का, यह एहसास दिलाना चाहते थे कि जब तुम्हारी शिरकत किसी मुर्दे की कब्र बना सकती है तो किसी गरीब का मकान भी बना सकती है। काश मौलवी बहुत करीब से गुजरता, तुम शिरकत तो करो। एक एक ईंट अगर कौम ने पहुंचा दी तो कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका मकान बनने से रह जाए। एक एक ईंट की कीमत क्या है, मगर जिस तरह तुम मैयत पे जाते हो मट्टी मुट्ठी, एक मुट्ठी मिट्टी देने के लिए, किसी गरीब के घर भी जाओ एक एक ईंट देने के लिए, मगर तुम मैयत उठाने गए किसी की गुर्बत उठाने ही कब गए। शरीयत को मुर्दे उठवाने का शौक नहीं है, हम तो तुम्हें मकान दिखलाना चाहते थे कि मरने वाले के हालात देख के आओ। आज शरीयत ने भेजा है, कल खुद जाना। आज मरने वाले की खातिर गए हो, कल बच्चों की खातिर जाना। शरीयत की ये रस्म और रिवाज सिर्फ ईसाले सवाब नहीं है, किसे शौक है कि तुम्हें 40वें पे 100वें पे 10वें पे 20वें पे बुलाए। बुलाया इसलिए जाता है कि तुम कितनी मदद कर सकते हो। अगर वो मालदार है तो खा के आओ, अगर गरीब है तो साल भर के खाने का इंतजाम करके आओ। तुम इतने सारे गए हो, किसी एक को नहीं संभाल सकते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो मुझे इजाजत दो, इसलिए कि लोग ये कहने लगते हैं कि बाद में मौलवी पब्लिक देख के घंटे बढ़ा देते हैं, मिनटे बढ़ा देते हैं। लेकिन मौलवियों के तो सांस फूले फिर रहे हैं, उनका तो सूरज कहीं है और चांद कहीं। एक ईसाले सवाब की मजलिस, एहसास हुआ आपकी कौम को कि उसके लड़का नहीं था, लड़कियां ही लड़कियां थी। दामाद उसी दिन से आंसू बहा रहे, कोई बेटा नहीं था, दामाद पहले से आ गए ताकि इंतजाम करें। बच्चियों ने आदमी आदमी से कहा हमारे अब्बू का इंतजाम करना। इंतजाम हो गया, इतने सारे लोग ईसाले सवाब में जमा हो गए। मैं तुम सबसे कहता हूं चलो करबला चलो। एक बेटा हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी अपने बाप की मैयत पे खड़ा है, और अपने बाप की मैयत पे खड़े होकर रंग जर्द पड़ रहा है। जनाबे जैनब ने कहा बेटा मैं क्या हालत देख रही हूं। का फूफी अम्मा जिसका जवान बेटा मौजूद हो वो अपने बाप की मैयत ना उठा पाए। अपने बाप की मैयत नहीं उठा पा रहा है वो बेटा। जनाबे जैनब समझ गई कि सैयद सज्जाद को एहसास हो रहा है कि मैं बेटा हूं और मेरे हाथ रसन से बंधे। जनाबे जैनब उतरी और उतरने के बाद अपने भाई के चारों तरफ घूमने लगी। जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा क्या आप अपने भाई का तवाफ कर रही। का बेटा तवाफ नहीं कर रही, वो जगह देख रही हूं जो जख्मी ना हो। का फूफी अम्मा चाहती क्या है। का अपने भाई का बोसा लेकर एक चीज चाहती हूं जो भाई से कहूं। मेरे भैया शिकवा न करना, अगर तेरी लाश बेकफन पड़ी है तो तेरी बहन नंगे सर खड़ी। शिकवा न करना, तेरी बहन नंगे सर खड़ी। अजीजाने गिरामी, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हसास हसास मसाइब आप तक पहुंचे। जब मैयत हुई बेटियां ही बेटियां थीं, उसके बावजूद मैं उनकी बेटियों से कहता हूं कि मरने के बाद कितनी देर लगी, कितने लोग तुम्हारे करीब आ गए। सबका आलम यह था कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। ठीक है, कौम ने पता तक नहीं चलने दिया, मैयत उठी। लेकिन जितने मैयत उठाने वाले हैं मैं उन्हें कसम दे के पूछता हूं, क्या तुमने उस मैयत को कभी ऐसे हालात में देखा कि वो एक कांधे पर रही हो। मुझे जो पढ़ना था मैं पढ़ चुका। जितनी भी मैयतों में तुम शरीक होते हो, जितनी भी मैयतों में तुम शरीक होते हो, कोई जनाजा तुमने देखा है जो एक कांधे पर हो। हमने इस दुनिया के अंदर कोई जनाजा ऐसा नहीं देखा जो एक कांधे पे आया हो। हमेशा हर जनाजा चार कांधों पे आया, मगर वाहरे हुसैन करबला में जो भी जनाजा उठाया गया तनहा हुसैन मैयत उठा के लाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब इससे ज्यादा तो मैं भी पढ़ नहीं सकता।
खुदा वंदे आलम तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। हर जनाजा जब जनाजा उठ रहा हो तो बनारस की तहजीब का सहारा लेकर मसाइब पढ़ूंगा, देखना कि जब भी कभी जनाजा उठे तुम देखोगे कि अगर कोई बुजुर्ग कांधा देने लगता है तो फौरन एक जवान जाता है और जवान जाके कहता हटिए, आपके बस की नहीं है कि आप कांधा दें, ये हमारे घर की तहजीब है, मगर सुबह से शाम तक हुसैन से किसी ने नहीं कहा। इमाम हुसैन से किसी ने नहीं कहा सुबह से शाम तक। बस अजीजों मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, आखिरी जुमला, वो हुसैन जो सुबह से शाम तक जनाजे इस तरह उठाते थे, इस तरह उठाते थे कि मैयत को हाथ में लेते थे, घोड़े पर जस्त करते थे, उसे खेमा गाह तक पहुंचाते थे, हुर से पहले हुर के बेटे की मैयत पे पहुंच गए हुसैन। लेकिन अजीजों वही हुसैन जो सुबह से शाम तक बगैर किसी सहारे के मैयतें उठाता रहा, जब उसने अपने जवान की मैयत को जाकर उठाया तो तीन मरतबा अली अकबर का जनाजा उठाया और तीन मरतबा जमीन पर रखा और रखने के बाद एक मरतबा हवाओं को मुखातिब करके कहा, ए हवाओं जाके शियों से कह दो कि वो एक बाप है जो अपने बेटे की मैयत पर तन्हा खड़ा है, और ये कहके नहरे फरात का रुख किया, आवाज दी मेरे भैया अरे जवान का जनाजा है, बूढ़ा बाप है, उठ नहीं पा रहा है, और ये कह के एक मर्तबा खेमों का रुख करके कहा, आओ बनी हाशिम के बच्चों अरे मेरा साथ दो। रिवायत ने लिखा है कि जनाबे अली अकबर का जनाजा एक तरफ से हुसैन ने उठाया, एक तरफ से छोटे छोटे बच्चे, जनाजा चलता रहा, हुसैन आवाज देते रहे, ए शियो जब भी मुझे याद करना इस पल को न भूलना कि एक बाप था जो अपने बेटे का जनाजा उठा रहा। सयालमुल लजीन जलमु अय्यमुन कलबिन यनकलबून इलाही बिहक जहरा व अबीहा व बालहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाजिर मजलिस है इनके उदय मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बर लाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल वाजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अदादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गमे आले मोहम्मद। माबूद इस मजलिस को जो सवाब तूने मुय्यन किया है उसको मरहूम की रूह के लिए तिस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना, ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर मरहूम सैयद ऐनुल हसन आबेदी इब्ने सैयद शमशुल हसन मरहूम की रूह को इशारे से। अंजुमन हैदरी की मेम्बरान से गुजारिश है कि नौहों और मातम के लिए तशरीफ लाएं। या हुसैन जब शाह हरे उठाए बाबा सब
مظلوم کربلا کے زانوں پہ موت آئے دیکھا جو سر پر آئے گا السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس ایہ المدفون بارض طوس السلام علیک مغیث شیت زوار فی یوم الجزا السلام علیک مولا یا ابن موسی الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک صاحب الاسر والزمان الامان 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 ذی الزمان السلام علیک شلیک القرآن السلام علیک مظہر الایمان السلام علیک امام الجان اجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ تعالی مخرجک وزورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عین الحسن عابدی ابن سید شمس الحسن عابدی کی روح کو ایصال فرمائیں تو بھی 4:30